नमस्कार दोस्तों, अंशु ओके बालकनी एंड टेरेस गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। तो बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि आपके गार्डन में इतने सारे गुलाब कैसे आते हैं और क्या आप इनमें खाद डालते हो, किस तरह से आप इनकी देखभाल करते हो, तो प्लीज़ हमको शेयर करें। तो मैं आज आपको अपनी सारी जानकारी इस बारे में बता रही हूँ। क्या है कि पहले जब मेरे रोज़ थे तो उनमें पूरी सर्दी में करीब 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 10 गुलाब आ जाते थे। बट अब कंटिन्यूसली जब से अभी गुलाबों का सीज़न आया है, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर से ही गुलाब आए जा रहे हैं और अब तो बिल्कुल अच्छी उसमें, ये देखिए ये वाला जो गुलाब का पेड़ है, ये वाला, इसमें 3 कलर के गुलाब आते हैं। मतलब एक साथ इसमें 3 गुलाब के दिए हुए हैं, एक येलो है, एक रेड है और एक पिंक है। अभी पिंक आके जा चुके हैं और अब ये दूसरा इनका रेड का सीजन आ रहा है, मतलब रेड आ रहे हैं, आते जाते हैं। जो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर देखो, ये अभी एक ही है, 1 2 3 4 5 रेड गुलाब आ रहे हैं और कभी येलो आते हैं, कभी मतलब पिंक आते हैं। अभी पिंक थोड़े दिन पहले आके जा चुके हैं। तो सबसे पहले आप गुलाब के लिए देखिए, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कोई भी, जो सबसे पहले जो भी कोई पत्ती आपको सूखी डाल दिख रही हो उसको आप हमेशा कट कर दें। सूखी पत्तियाँ भी हों तो उसको आप कट कर दें। अगर आपका बहुत बड़ा पेड़ है तो आप उसकी पूरी उस हिसाब से कट करें। ये तो मैं ऐसे ही निकाल देती हूँ और आप कटर से, जिस तरह से ये दिख रही है आपको, ये वाली इसकी सूखी डाल है तो इसको आप कटर से कट कर दें। मेरे पास अभी उधर है तो जहाँ जहाँ, क्योंकि इसमें अपनी एनर्जी फालतू में ही लेता रहता है इससे, तो इसको आप इस तरह से कट कर दें। ये देखिए यहाँ पे कोई भी इस तरह की सूखी डाली है नहीं, अगर होती है तो मैं उसको हमेशा हटाती रहती हूँ। इस तरह से ये है, पत्तियाँ को भी सूखी को हटाते रहो, जैसे कि आपके पेड़ में एकदम ग्रीन ग्रीन नज़र आए। और यहाँ तक ये देखिए, इसमें अभी बहुत सारे गुलाब आके जा चुके हैं। अब इसमें नई नई बर्ड्स बन रही हैं, देख रहे हैं आप बहुत सारी, और ये काफ़ी लंबा होने जा रहा है, करीब ये 4 फुट का हो गया है इसके अंदर ही। देखो इसमें पीच कलर का गुलाब आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ये येलो कलर का है, इसमें भी येलो ये आ रही हैं, और बहुत, ये देखिए ये आ रही है, ये येलो था अभी वाइट हो गया है। तो ये वाला फुल गुलाब दे रहा है अपना। इसमें भी इस तरह से अभी बंच में बहुत ज़्यादा आए थे, फिर भी अभी भी आए जा रहे हैं, देखे हुए आप। तो इन सब के लिए जो आपको क्या करना है, अगर आपके कोई भी सूखी डाल है उसको हटाना है। दूसरा, आपको इसको हर 15 दिन में कोई भी फर्टिलाइज़र, आप किसी तरह का भी दे सकते हो, बर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हो। मैं तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ सरसों की कली का, और जब भी मैंने इसकी मिट्टी बनाई थी उसमें भी मैंने जो घर से अपनी बनी हुई खाद थी वही इसमें दी थी, वही आपको देना है। अगर आप दूसरी, मतलब कंपोस्ट दे सकते हो, बर्मी कंपोस्ट वगैरह वो भी दे सकते हो। तो एक तो वो इसको बनाते टाइम ही देना है, और इसमें पानी आपको इतना ज़्यादा नहीं देना है कि इसकी जड़ें गलने लग जाए। अगर आपको कोई फंगस टाइप दिख रही है, जैसे आपकी कोई कली आती है और आते ही वो मुरझा जाती है, तो हो सकता है इसमें कोई कीड़ा, अंदर कीड़ा लगा है, इसमें कोई बीमारी लगी है। तो उसके लिए आप इसके अंदर नीम खली का पाउडर डाल दें। उसमें बीच में आप इस टाइम बनाते टाइम भी, इसको जब बनाते हैं तभी भी उसमें करीब 5% आप नीम खली का पाउडर डाल सकते हैं, और अगर बाद में अगर आपको डालना है तो बाद में भी आप डाल सकते हैं। और वैसे 15 दिन में अगर आपको कोई फंगस या कुछ दिख रहा है तो आप उस पर फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए, कोई भी फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे से जैसे आप इनको थोड़ा साफ़ करते रहें, तो उससे अभी क्या, थोड़े दिन पहले बारिश आई है, 3-4 दिन पहले, तो उससे एकदम साफ़ हो गए ये। अदरवाइज आप, और आपको कभी भी प्लांट्स को धोना है, नहलाना है, तो आप शाम के टाइम पर ना नहलाएं, उससे फंगस लगने का डर रहता है। हमेशा आप सुबह के टाइम, या मतलब दोपहर के, इस सर्दियों में दोपहर के टाइम नहलाएं, और गर्मियों में तो जो गर्मियां होती हैं उनमें तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में फंगस लगने का डर रहता है, इसलिए आप उनको दोपहर में, जैसे कि पूरी पत्तियां शाम तक सूख जाएं, तो उससे प्लांट्स सूखे रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धूप भी कम आती है आजकल।
हमारे यहाँ तो धूप सही आती है, धूप में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इन जो भी फूल वाले प्लांट होते हैं उनको 4-5 घंटे की धूप तो चाहिए ही चाहिए। तो गर्मियों में तो आपको चाहे इसको गुलाब को बचाए रखना है, लेकिन बाद में आपको इसको अब इस टाइम धूप, जहाँ धूप आती है उस धूप वाली स्थिति में रखिए। तो ये देखिए पूरा दिन की धूप आती है, बस इसमें थोड़ी बहुत देर की धूप नहीं आती है। तो इनको ये बहुत ही अच्छा जगह लगी हुई है जहाँ पर इसको धूप भी आती है, और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप जब आती थी गर्मियों में तो थोड़ी सी इसमें छाया आ जाती थी 3 बजे के बाद, अदरवाइज पूरे दिन इसमें धूप रहती है। तो ये धूप का हुआ है इसका, तो धूप ज़रूर आपको इनको देनी चाहिए जो भी गुलाब के प्लांट्स हैं। और मैं तो यही 2 खा देती हूँ, और आप कभी कभार आप राइस वाटर का भी लिक्विड बना के एक दिन के लिए, अगर उबले हुए जो राइस हैं उनको भी आप दे सकते हो, उबले हुए राइस का जो पानी जो बचता है उसको फर्मेंटेड कर लीजिए, एक दिन 24 घंटे के लिए रख दीजिए, और फिर उसमें पानी मिला के और उनको भी प्लांट्स में दे सकते हो, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो सरसों की खली तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर NPK होता है, तो आप अपने प्लांट में दे सकते हो। मिट्टी को हमेशा इस तरह से रखना है, देखो ये मिट्टी कितनी इसकी इस तरह से भुरभुरी है, तो उससे ये प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ये देखो ये वाली भी इसकी, इसको भी सूखी सी हो रही है, तो इसको भी आप कट कर दोगे, क्योंकि ये एनर्जी को लेते रहते हैं और नई पत्तियां और उनको मिल नहीं पाती है। तो यही सब आपको करना है गुलाब में, और मैंने खुद वीडियो बनाया हुआ है सरसों की खली, बहुत ही ज़्यादा महंगी नहीं है, हमारे यहाँ तो 40-50 रुपये किलो आ जाती है। तो ये खाद सबसे अच्छी है, इसको दीजिए आप। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का पील से मैं जो कंपोस्ट बनाती हूँ उसी से इनकी मिट्टी तैयार कर लेती हूँ, तो कोई खर्चा नहीं है, अपने आराम से आप बना सकते हो मिट्टी भी, बस आपको मिट्टी लेके आनी है और अच्छे फूल ले सकते हो आप। ये देखिए कुछ पिटूनिया लगाए हुए हैं, इनमें भी मैंने वही खाद दे दी है। तो बस यही करना है आपको, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये ज़रूर बताएं आप, अच्छा लगे तो शेयर भी करें लाइक भी करें। ओके बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।